नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत में सुरक्षा श्रेणियां चार भागों में बटी हुई है और किन को किस स्तर पर सुरक्षा दी जाती है। जैसा कि हम लोग को पता है कि सुरक्षा श्रेणियां जो है एक्स एक्स श्रेणी में, वाई श्रेणी में, जेड श्रेणी में, जेड प्लस श्रेणी में होती है। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि किस श्रेणी में कितने सेना होते हैं, कितने पुलिस रहते हैं, कितने कमांडोज उपस्थित रहते हैं, और सिर्फ उसकी सिक्योरिटी देखकर भी आप जान सकते हैं कि कितने बड़े लेवल के व्यक्ति हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारत में पुलिस और स्थानीय सरकार द्वारा कुछ उच्च जोखिम वाले व्यक्ति को सुरक्षा विवरण प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति को खतरे की धारणा के आधार पर, जो जितने बड़े लेवल पर रहता है, जितने बड़े मंत्री होते हैं, ओके, उसके अनुसार से उसको श्रेणी दिया जाता है। श्रेणी को चार स्तरों में विभाजित किया गया है, जैसे कि जेड प्लस, जेड, वाई, एक्स। मतलब है, उल्टा साइड से पढ़ें तो एक्स जो सबसे निम्नतम स्तर की सुरक्षा श्रेणी है, फिर वाई, फिर उससे बड़ा जेड, और उससे बड़ा जेड स्तर उच्चतम स्तर के हैं जेड श्रेणी के, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस सुरक्षा कंबल के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुख, राज्य के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्री, ये सब मंत्री आते हैं सुरक्षाकर्मी में, सुरक्षा में, ओके। इनकी सुरक्षा का जिम्मा सुरक्षाकर्मी को रहता है, एनएसजी कमांडो को रहता है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जवान को रहता है। तो किनको कितने पुलिसकर्मी दिए जाते हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। एसपीजी श्रेणी की एक सुरक्षा विवरण है। आप सुने होंगे एसपीजी जवान, तो एसपीजी के बारे में स्पेशल एक वीडियो अगली वीडियो में लाऊंगा, ओके। एसपीजी स्पेशल वीडियो रहेगा। एसपीजी श्रेणी एक विशेष सुरक्षा विवरण है जिसकी शक्ति वर्गीकृत है, केवल प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एसपीजी जवान जो होता है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के पास अवेलेबल है, राइट, ठीक है। जेड प्लस श्रेणी जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, जेड प्लस किसी को मिलता है सुरक्षा, तो क्या उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, कितने सुरक्षाकर्मी होते हैं, तो आप विशेष रूप से इसको समझने का प्रयास करें। जेड प्लस श्रेणी में 55 कर्मियों का सुरक्षा विवरण है, जिसमें 10 से ऊपर एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी कमांडो रहते हैं, और बाद बाकी पुलिसकर्मी रहते हैं, और ये पुलिसकर्मी आईटीबीपी जवान या सीआरपीएफ या तो फिर स्थानीय सरकार के पुलिस, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली पुलिस का कुछ पुलिस रह सकती है, आईटीबीपी जवान रह सकती है, असम राइफल्स रह सकती है, तो अकॉर्डिंग टू, लेकिन 55 सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा विवरण रहता है जेड प्लस में, राइट। आगे बढ़ते हैं। जेड में उससे निम्नतम आते हैं तो 22 सुरक्षा कर्मी का विवरण है जेड श्रेणी में, जिसमें चार या पाँच एनएसजी कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल हैं, ओके। वाई श्रेणी में 11 कर्मियों का एक सुरक्षा विवरण है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि कंगना रनौत और महाराष्ट्र के एक मंत्री संजय रावत से बातों का लड़ाई चल रहा है, बहुत ही खतरनाक, इसलिए कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कंगना रनौत को 11 कर्मियों का एक सुरक्षा विवरण मिल गया है, जिसमें वाई श्रेणी का मिला है, इसका मतलब है 11 सुरक्षा कर्मियों का विवरण मिला है, जिसमें एक या दो कमांडो रहेंगे और बाद बाकी आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवान उपस्थित रहेंगे उसके चारों ओर, ओके। कुल मिला के 11 सुरक्षा कर्मी रहेंगे। एक्स श्रेणी में 2 कर्मियों का एक सुरक्षा विवरण है, जिसमें कोई कमांडो नहीं रहता है, बल्कि केवल सशस्त्र पुलिस कर्मी रहते हैं, मतलब सीआरपीएफ या आईटीबीपी या असम राइफल्स कमांडो रहते हैं, ओके। इसमें कोई विशेष रूप से कमांडो नहीं रहते हैं, एनएसजी कमांडो नहीं रहता है वाई श्रेणी, एक्स श्रेणी में, माफ कीजिएगा, एक्स श्रेणी में, ओके। सुरक्षा का जेड प्लस स्तर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कमांडो द्वारा प्रदान किया जाता है, एसपीजी द्वारा प्रदान किया जाता है। वे हैकलर एंड कॉच MP5 सब मशीन गन और आधुनिक संचार उपकरणों से लैस रहते हैं, और टीम का प्रत्येक सदस्य मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में माहिर रहते हैं। वर्तमान में 17 VIP को इस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है। जेड प्लस सुरक्षा जो है ना, वह 17 VIP को प्रदान की गई है। जेड श्रेणी पुलिस या ITBP या CRPF के जवानों और एक स्क्वाड कार द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आया कि ये जेड प्लस सुरक्षा जो है ना, मात्र इंडिया में 17 लोगों को प्रदान की गई है। वाई श्रेणी में 2 निजी सुरक्षा अधिकारी PSO और एक एक्स श्रेणी में जिनको भी वाई श्रेणी मिलता है ना, उसको 2 निजी सुरक्षा अधिकारी भी मिलता है, PSO जिसको कहा जाता है, और जिसको वाई एक्स श्रेणी मिलता है उसको एक PSO मिलता है, ओके, निजी सुरक्षा अधिकारी।
एसपीजी, देखिए इसके बारे में एक अलग से वीडियो लाऊंगा। ओके, एसपीजी के बारे में कैसे बनते हैं एसपीजी, एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप, और एनएसजी का मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी का मतलब होता है भारत और तिब्बती सीमा बल, ओके, और सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआईएसएफ मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एजेंसियों को प्रतिभूतियों द्वारा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं वीआईपी, वेरी वेरी हाई प्रोफाइल हस्तियां और खिलाड़ी। एनएसजी का उपयोग बड़े पैमाने पर वीआईपी वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए किया जाता है, खासकर जेड प्लस श्रेणी के लोगों के लिए। कई एनएसजी कर्मियों को विशेष सुरक्षा एसपीजी के पास भेजा जाता है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।